फारूक तुम डराई दिया। डरा के तो तुमने रखा हुआ मुझे कल से। मैंने? हाँ, न कोई मैसेज का जवाब, न कोई कॉल का। तुम्हें मेरे तोहफे पसंद नहीं है ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुम्हारे तोहफे बहुत अच्छे लगे हैं। दिल से नहीं कह रही तुम। तुम्हें कोई और चीज चाहिए थी ना? हाँ, बस एक। क्या? मुझे जन्नत जी से एक बार मुलाकात करवा दो, उनके शो में ले जाओ। मैं समझा पता नहीं क्या चीज चाहिए होगी। कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बस वो जो मेरा दोस्त सब... तुम्हारा वो दोस्त तुम्हारे हमेशा वहां पहुंचने पे ना गायब हो जाता है। नया रेफरेंस ढूंढ रहा हूं मैं। वैसे तुम उनसे मिलके करोगी क्या? मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है, ख्वाहिश है। तुम्हें पता है कल रात को मैंने उन्हें ख्वाब में भी देखा। मुझे तो कभी तुमने ख्वाब में नहीं देखा। तुम तो हर वक्त यहाँ मौजूद होते हो, अब तुम्हें ख्वाब में भी देखूं मैं? कदर नहीं है तुम्हें मेरे? जन्नत जी बड़ी खुशकिस्मत, दुनिया का सब कुछ है उनके पास, हुस्न, पैसा, प्यार करने वाला शौहर, नाम, शोहरत। वो इतना खुशकिस्मत कैसे हो सकता है? तुम्हारे पास भी तो सब कुछ है तबस्सुम। मेरे पास क्या है? छोड़ो, तुम अपने आप को दूसरे लोगों से ना मिलाया कर। तुम्हें पता है उनके शौहर ने उनके सालगिरह में उन्हें क्या तोहफा दिया? डायमंड का ब्रेसलेट, और वहां फूलों और तोहफों का ढेर था। पता नहीं कितने दिन लगेंगे उन्हें सारे तोहफे खोलने में। अगर मैं अमीर आदमी होता ना तो तुम्हें इससे भी ज्यादा चीजें देता। मुझे पता है मेरे तोहफे मामूली। मैंने ऐसा थोड़ी कहा है, तुम्हारे तोहफे भी बहुत अच्छे हैं। तुम तो जन्नत जी की बात कर रहे हो ना, हमने तो हमेशा से सबसे बेहतरीन चीजें मिलती हैं, सबसे महंगी, सबसे खूबसूरत। मुझे ना कभी कभी डर लगने लगता है। किससे? तुम्हारे जुनून से। जुनून मतलब? तुम हर वक्त जन्नत की बातें करती हो, उसके शो की, उसके घर की, उसके कपड़े, पर अब तो उसके शौहर और उसके तोहफे। वो मेरे जहन से निकलती नहीं है, क्या करूं? तुम दूसरी चीजों के बारे में सोचो। लोगों के बारे में जिन्हें तुम्हारी ज्यादा परवाह है। मैं एक दफा उनसे मिलूंगी ना, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। तुम देख लेना, पक्का वादा। तुम बस एक दफा मुझे उनसे मिलवा देना।